एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर। आज हम लेके आए हैं हमारा जो टाटा स्टील रजिस्टर्ड रिलेशन का कल एग्जाम होने वाला है 6 मार्च को, उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ना, आज हम उस क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वेयर हैज़ द हौसला प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली। ये जो हमारा हौसला प्रोग्राम है, ये कौन से जगह में रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। वेयर हैज़ द हौसला प्रोग्राम बीन स्टार्टेड रिसेंटली, ये कौन से स्टेट में हमारा स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हुआ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर। द हौसला प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली इन जम्मू एंड कश्मीर। इन विच स्टेट द हेल्पलाइन सुकून हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। कौन से स्टेट में जो हमारा हेल्पलाइन है ना सुकून, वो रिसेंटली में इनॉग्रेट किया गया है, स्टार्टअप किया गया है। कौन से स्टेट में ये जो हमारा हेल्पलाइन है सुकून, वो हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है। कौन से स्टेट में किया गया, हौसला हमारा किया है जम्मू एंड कश्मीर में, पर अभी मैं पूछ रही हूँ सुकून, ये जो हेल्पलाइन है ना सुकून, ये भी हमारा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इन जम्मू एंड कश्मीर दी हेल्पलाइन सुकून हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। एशिया लार्जेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच कंट्री। एशिया का जो सबसे लार्जेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है ना, ये कौन से कंट्री में स्टार्ट हुआ है। एशिया का जो लार्जेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है, ये हमारे कौन से कंट्री में स्टार्ट हुआ है। पूरे जो एशिया का है ना, एशिया का आई एम टॉकिंग अबाउट, एशिया में जो सबसे लार्जेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक है, ये कौन से कंट्री में हमारा स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, ऑप्शन नंबर ए, एशियाज लार्जेस्ट हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक हैज़ बीन स्टार्टेड इन इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। विच एनिवर्सरी ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन हैज़ बीन रिसेंटली सेलिब्रेटेड ऑन 1 जुलाई। डिजिटल इंडिया का 1 जुलाई को कितना, 1 जुलाई को डिजिटल इंडिया का हमारा कितना एनिवर्सरी हुआ है। डिजिटल इंडिया का हमारा 1 जुलाई को जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं ना, ये कौन सा कितना एनिवर्सरी था। डिजिटल इंडिया हमारा कब स्टार्ट हुआ है वो बताइए पहले। डिजिटल इंडिया हमारा 1 जुलाई 2015 में, ठीक है, तो ये होगा हमारा 6th, ऑप्शन नंबर डी। 6th एनिवर्सरी ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड रिसेंटली ऑन 1 जुलाई। रिसेंटली एम प्रसांगना हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। हाल ही में एम प्रसाना है जो, उनका निधन हो गया है, ठीक है, वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे। एम प्रसाना जिनका अब निधन हो गया है, वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ही इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, ये जो रिलेटेड ये हमारे है फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। रिसेंटली एम प्रसांगना हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू फुटबॉल। विच फेमस जर्नलिज्म वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2021 फुकुका प्राइस। कौन से जर्नलिज्म को, कौन से जर्नलिस्ट को, कौन से फेमस जर्नलिस्ट को जो हमारा 2021 का फुकुका प्राइस था ना, वो दिया गया। कौन से जर्नलिज्म को, कौन से जर्नलिस्ट को हमारा 2021 का फुकुका प्राइस दिया गया है। ये हमारा दिया गया है पी साईनाथ को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। द फेमस जर्नलिस्ट पी साईनाथ वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड 2021 फुकुका प्राइज। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेंड अ प्रपोजल टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे टू रीनेम झांसी स्टेशन आफ्टर होम। उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने एक प्रपोजल दिया है रेलवे मिनिस्टर को, एक प्रपोजल दिया है रेलवे मिनिस्टर को टू रीनेम झांसी स्टेशन। झांसी स्टेशन को रीनेम करने के लिए आफ्टर होम किसके, ये पे
ये हमारा है रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज सेंड अ प्रपोजल टू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू रीनेम झांसी स्टेशन आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई। विच फीमेल प्लेयर हैज बिकेम द हाईएस्ट रन स्कोरर रिसेंटली? कौन से फीमेल प्लेयर जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर बनी है? कौन सा फीमेल हाईएस्ट रन स्कोरर बनी है हमारा? ये हमारा बनी है मिथाली राज, ऑप्शन नंबर सी। मिथाली राज हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर फीमेल प्लेयर। हु हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव? कोविन था ना हमारा, कोविन जिसमें हम सारे रजिस्टर्ड करते थे हमारा वैक्सीनेशन के लिए, तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव इसको किसने ऑर्गेनेट किया? हु हैज़ इनॉग्रेटेड द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव? इसको किसने किया है? इसको किया है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव। विच इज द टॉप स्टेट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल? कौन जो है ना टॉप पे है किसमें, प्रोडक्शन ऑफ कोल में? अगर हम देखा जाए कि इंडिया के कौन से ऐसा स्टेट है जो टॉप पोजीशन पे प्रोडक्शन ऑफ कोल के, कौन है प्रोडक्शन ऑफ कोल? एज पर द रिकॉर्ड ऑफ 2020 झारखंड जो था वो हमारे टॉप पोजीशन पे था, ठीक है, बट एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ 2021 हमारा टॉप पे कौन सा है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द टॉप स्टेट इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ कोल। हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड द न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ किरण रिजिजू इन द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन? हु हैज़ द फॉलोइंग मतलब न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसको बनाया गया है, किसके प्लेस में? किरण रिजिजू का, इन द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन। यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन में किरण रिजिजू की जगह में न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसको बनाया गया है, किसे बनाया गया है? ये हमारा बनाया गया है अनुराग ठाकुर को, ऑप्शन नंबर सी। अनुराग ठाकुर हैज़ बीन मेड द न्यू स्पोर्ट्स मिनिस्टर इन प्लेस ऑफ किरण रिजिजू इन द यूनियन कैबिनेट एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल के एग्जाम्स के लिए, करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? न्यू एडुकेशन मिनिस्ट्री कंट्री के कौन बने हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडुकेशन मिनिस्टर? जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ना, आप एक बार सारे मिनिस्टर्स को देख लीजिएगा, ठीक है, आप बताइए हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडुकेशन मिनिस्टर? एडुकेशन मिनिस्टर कौन बने हैं कंट्री के? ये हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन नंबर ए। धर्मेंद्र प्रधान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडुकेशन मिनिस्टर ऑफ द कंट्री रिसेंटली। केशव दत्त है ना, उनका निधन हो गया, वो अब नहीं रहे, ठीक है, ही वॉज रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट्स। केशव दत्त हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विथ स्पोर्ट्स। केशव दत्त हमारा जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? He was related to hockey. Option number A, hockey. Keshav Das has passed away. He was related to hockey. Indian Army has named one of the its firing ranges in Kashmir after which of its Bollywood actress? Indian Army जो है ना, उन्होंने अपना एक firing range जो है कश्मीर में, उसको नाम रखा है एक Bollywood actress के ऊपर, ठीक है, वो किस बॉलीवुड एक्ट्रेस के ये पे वो लोगों ने नाम रखा है अपना फायरिंग रेंजेस? इंडिया आर्मी हैज नेम्ड वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंजेस इन कश्मीर आफ्टर विच बॉलीवुड एक्ट्रेस? ये रखा है विद्या बालन ने, ठीक है। इंडियन आर्मी हैज नेम्ड
वन ऑफ इट्स फायरिंग रेंज इज कश्मीर आफ्टर द बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन. Which country hosted the BRICS एडुकेशन मिनिस्टर 2021. ब्रिक्स का जो एडुकेशन मिनिस्टर 2021 वो किस कंट्री ने होस्ट किया हमारा, कौन से कंट्री ने होस्ट किया है? इंडिया ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इंडिया. इंडिया होस्टेड द ब्रिक्स एडुकेशन मिनिस्टर 2021. बसील राजापस्का हैज बिकम द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. बैसिल राजापक्सा जो है कौन से कंट्री के न्यू फॉरेन मिनिस्टर बने हैं? बैसिल राजापक्सा कौन से कंट्री के न्यू फॉरेन मिनिस्टर बने हैं? ये हमारे बने हैं श्रीलंका के, ऑप्शन नंबर डी. ब्राजील राजापक्सा हैज बिकेम द न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका. Who has been appointed as the new railway minister of the country recently? हाल में ही किसे new railway minister बनाया गया है? New railway minister कौन बने हैं हमारे? New railway minister ये बने हैं अश्वनी वैष्णव. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. अश्वनी वैष्णव has been appointed as the new railway minister of our country. विच कंट्री हैज़ वॉन द कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021. कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021 कौन से कंट्री ने जीता है हमारा? कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021 कौन से कंट्री ने जीता है? ये हमारा जीता है अर्जेंटीना ने. ठीक है, अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर ए. अर्जेंटीना हैज़ वॉन द कोपा कप फुटबॉल चैम्पियनशिप 2021. विच कंट्री हैज़ वॉन द यूरो कप 2020? यूरो कप 2020 किसने जीता है? ये हमारा जीता है इटली ने. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी. इटली हैज़ वॉन द यूरो कप 2020. इतने क्वेश्चन में कुछ भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को? यहाँ तक ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन है आप लोगों को? कल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब. हु हैज़ रिसेंटली वॉन द मेन सिंगल विलिडियम चैम्पियनशिप 2021? मेन सिंगल विलिडियम चैम्पियनशिप 2021 किसने जीता है हमारा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच हैज वॉन द मेन सिंगल विलिडियम चैम्पियनशिप 2021. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन BWF अकॉर्डिंग टू BWF वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप होस्ट करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप? यह हमारा है इंडिया. कौन सा कंट्री होस्ट करेगा हमारा? इंडिया. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स बैडमिंटन फेडरेशन इंडिया विल होस्ट द वर्ल्ड्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप इन 2026. ठीक है, 2026 में ही इंडिया होस्ट करेगा. यशपाल शर्मा हैज पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स? यशपाल शर्मा जो है ना, उनका निधन हो गया है, वो कौन से स्पोर्ट्स से हमारे रिलेटेड थे? He was related to which sports? Yashpal Sharma was related to cricket. Option number A, cricket. Yashpal Sharma has passed away. He was related to cricket. Option number A. Which country has recently organized the Central South Asia Summit 2021? Central South Asia 2021 कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज किया है? Central South Asia 2021 कौन सा कंट्री ऑर्गेनाइज किया हमारा, बताइए कौन सा कंट्री है जिन्होंने Central South Asia Summit 2021 को ऑर्गेनाइज किया है? ये किया है युबेकिस्तान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. युबेकिस्तान हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज द सेंट्रल साउथ एशिया समिट 2021. पंडित रजन मिश्रा
पंडित राजन मिश्रा हैज पास्ड अवे. हु वॉज ही? पंडित रजन मिश्र जो है वो अब नहीं रहे, उनका निधन हो गया है. ठीक है, वो किस लिए फेमस थे? ही वॉज फेमस फॉर वॉट? वो किस लिए फेमस थे हमारे? ही वॉज फेमस फॉर हिज सिंगर. ही वॉज अ सिंगर. ठीक है, सिंगिंग के लिए ही वॉज फेमस फॉर हिज सिंगिंग. ठीक है, पंडित रजन मिश्रा हैज पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस सिंगर. ये हमारे आज के क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है. तो चलिए, विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली वॉन द 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ऑफ टेनिस? 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ऑफ टेनिस किसने जीता? 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ऑफ टेनिस, 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ऑफ टेनिस किसने जीता हमारा, बताइए. राफेल नाडल. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राफेल नाडल हैज वॉन द 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल ऑफ टेनिस. फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारे PDFs जो होते हैं वो अपलोड हो जाते हैं. थैंक यू.